हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सियोक नदी से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, लद्दाख। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये लद्दाख जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा लद्दाख में पड़ता है। ये ठीक है, ये लद्दाख है और इसकी राजधानी है लेह। क्या है? लेह। यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सियोक नदी। ठीक है, ये छोटा सा ये सियोक नदी है। ठीक है, और ये बड़ी वाली जो है ये है सिंधु नदी। ठीक है, तो इसी सियोक नदी में सेना के एक टैंक के बहने के कारण ये चर्चा में रहा था, जिसमें 5 सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, पहली बात तो सियोक नदी किस नदी की सहायक है? जी हाँ, ये सिंधु की सहायक और दाएं तट की सहायक है। कौन सी? दाएं तट की। ठीक है, और ये किस ग्लेशियर से निकलती है? रीमो ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है? यहाँ पर है रीमो ग्लेशियर। ठीक है, याद रखेंगे, रीमो ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर से नुब्रा नदी इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, नुब्रा और सियोक नुब्रा घाटी की प्रमुख नदियां हैं और ये उत्तर काराकोरम पर्वतों से होकर बहती है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके प्लेसर निक्षेप में सोना भी प्राप्त होता है, याद रखेंगे सोना भी यहाँ पर प्राप्त होता है। और यह यहाँ पर जो है भारत चीन सीमा के निकट सैन्य अड्डा है, जिसको बोला जाता है DBO दौलत बेग ओल्डी की जाने वाली सड़क भी, जहाँ पर भारतीय आखिरी गांव यहाँ पर पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए आप आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।